अगर आज हम किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछें कि वो करियर में आगे क्या करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले या तो MBBS कहेंगे, BDS कहेंगे या बी फार्मा कहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को मेडिकल लाइन में और कोर्सेज की अवेयरनेस नहीं है और कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेडिकल लाइन में और कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज रहते हैं जो ज़्यादा हाई स्कोप रखते हैं और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, उनके ड्यूरेशन के बारे में बताऊंगा और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मेडिकल कोर्सेज के सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम मैं आपको बताऊँगा वो कुछ मेन एंट्रेंस एग्जाम्स रहेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ हमसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं MBBS की, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS ना सिर्फ एक मोस्ट पॉपुलर मेडिकल कोर्स है बल्कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड कोर्स भी है साइंस एस्पिरेंट्स का आफ्टर पासिंग क्लास 12। जो भी स्टूडेंट सर्जन बनना चाहता है या मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन चाहता है उसको डेफिनेटली सबसे पहले ये कोर्स परस्यू करना होगा, उसके बाद ही आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का होता है और इसकी फ़ी 6 लाख टू 53 लाख के अराउंड होती है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो प्रिफरेबल है वो है NEET UG। फिर सेकंड नंबर पे आता है BDS, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेज। ये कोर्स मेनली वो कैंडिडेट्स प्रिफर करते हैं जो अपने करियर में ऑर्थोडोनिस्ट और प्रोस्थोडोनिस्ट बनना चाहते हैं। BDS एक फाउंडेशन कोर्स है उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट और डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं। इसका ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स का होता है और इसकी फ़ी अराउंड 5 लाख टू 20 लाख के अराउंड होती है। इसका एंट्रेंस एग्जाम भी MBBS की तरह नीट एग्जाम होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है BHMS, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इंडिया में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही फेमस है। अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो BHMS इज़ अ वेरी गुड फील्ड। ये कोर्स आपको ये बताता है कि आप पेशेंट को हील कैसे कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर सराउंडिंग इन अ नेचुरल एंड अडेप्टेबल मैनर। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का होता है और इसकी फ़ी 4 लाख टू 10 लाख के अराउंड होती है। इसके एंट्रेंस एग्जाम्स नीट, IPU CET, KEAM एक्सेट्रा होते हैं। फिर हम नंबर फोर्थ पे बात करते हैं BAMS की, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदिक इंडिया में ही बॉर्न हुआ है, यही एक रीज़न है कि इंडिया के पीपल्स आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स BAMS प्रिफर करते हैं, स्पेशली जब से इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष एंड उसके बेनिफिट्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का होता है और इसकी फ़ी 60,000 टू 2.5 लाख के अराउंड होती है। एंट्रेंस एग्जाम है नीट, असम CEE, APEAM CET एक्सेट्रा। अब हम नंबर फिफ्थ पे बात करते हैं DHMS की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो BHMS में 5 ईयर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए DHMS एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये कोर्स रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड का है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन की फील्ड में एक्सटेंसिव एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 ईयर्स का है और इसकी फ़ीस 60,000 to 3 लाख के अराउंड है। इसके एंट्रेंस एग्जाम्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। अब हम नंबर सिक्स पर बात करते हैं BUMS की, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन यूनानी मेडिसिन। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को यूनानी मेडिसिन सिस्टम के बारे में बताया जाता है जो कि ओरिजिनेटेड हुआ था ग्रीक कल्चर से एंड इज़ क्वाइट पॉपुलर इन सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। जो इस फील्ड से ग्रेजुएट होते हैं उनको हकीम्स बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का होता है और इसकी फ़ी 20,000 टू 2 लाख के अराउंड होती है। इसके एंट्रेंस एग्जाम्स नीट और KEAM जैसे एग्जाम्स होते हैं। अब हम नंबर सेवन पर बात करते हैं VBSC एंड AH की, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं एंड वॉन्ट टू परसी कोर्स इन ऑर्डर टू हेल्प एंड ट्रीट एनिमल्स, देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू। इस कोर्स के कम्प्लीशन के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ फॉर्मल वेटेरियंस और एनिमल्स को मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होता है और इसकी फ़ी अराउंड 1.25 लाख टू 5 लाख के अराउंड होती है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं नीट एंड AIPVT एक्सेट्रा। अब हम नंबर एट पे बात करते हैं बी फार्मा की, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं या खुद की फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बी फार्मा का कोर्स परस्यू करना होगा, जो आपको डिफरेंट केमिकल्स, मेडिसिनल सॉल्ट्स एंड सॉल्यूशंस की स्टडी करवाता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स का होता है और इसकी फ़ी 5 लाख टू 12 लाख के अराउंड होती है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो प्रिफरेबल हैं वो है IPU CET, WBJEE और बहुत से स्टेट्स में तो इसमें 12th क्लास के बेसिस पर भी एडमिशन दिया जाता है। नंबर नाइन पर बात करते हैं डी फार्मा की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी।
तो जो भी कैंडिडेट फार्मेसी में शॉर्ट टर्म कोर्स परस्यू करना चाहता है वो इस कोर्स को प्रीफर कर सकता है। ये बी फार्मा प्रोग्राम से शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ये कोर्स स्टूडेंट्स को चांस देता है टू वर्क इन गवर्नमेंट फार्मेसीज एंड असिस्ट इन मेडिकल डिविजन्स ऑफ हॉस्पिटल्स। इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 ईयर्स का होता है और इसकी फी अराउंड 30,000 to 2 lakhs के अराउंड होती है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं UPSE एक्सेट्रा। नंबर 10 पे बात करते हैं BOT की, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डील्स करता है विद द मेजर्स दैट प्रिवेंट्स क्योर एंड रिहैबिलिटेट वेरियस डिसीजेस एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग फिजिकल मेंटल इमोशनल इशूज एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। ये कोर्स स्टूडेंट्स को इनेबल कराता है टू अंडरस्टैंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स का होता है और इसकी फी अराउंड 2.25 लाख टू 4.5 लाख तक होती है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है नीट। फिर हम 11 नंबर पे बात करते हैं BMLT की, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जैसे ही मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी का स्कोप डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपर्ट्स जो कि उनको मैनेज और रिपेयर करते हैं उनकी डिमांड भी डे टू डे बढ़ती जा रही है। ये कोर्स स्टूडेंट्स को बताता है टू लर्न अबाउट डिफरेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एडवांसेस इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जिससे वो हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स में ईजिली वर्क कर सकें। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स का होता है। इस कोर्स की फी 60,000 to 3 lakh rupees के अराउंड होती है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम प्रिफरेबल है वो है नीट, कॉमेट के, JUGCET और KCET एक्सेट्रा। फिर नंबर 12 पे बात करते हैं BPT की, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड डे टू डे बढ़ती जा रही है, इसलिए BPT के कोर्स की डिमांड आजकल स्टूडेंट्स में बढ़ती जा रही है। एज दे ट्रीट द मस्कुलर स्पाम्स एंड रिकवर फ्रॉम मसल इंजरीज, BPT ग्रेजुएट्स अर्बन रीजन में अपना करियर ईजिली बना सकते हैं बिकॉज पीपल इन दीज रीजन रिलाई ऑन फिजियोथेरेपिस्ट टू ईज हाई स्ट्रेस लेवल। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स का होता है। इसकी फी 60,000 to 3 lakhs अराउंड होती है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो वेरियस स्टेट CETs होते हैं, नीट एग्जाम होता है एंड IPU फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर नंबर 13 पे आता है BSc नर्सिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। नर्सिंग वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर पाथ है विद जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स। इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 ईयर्स का होता है और इसकी फी 60,000 to 3 lakh rupees के अराउंड होती है। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम प्रिफरेबल है वो है BSc नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, BHU BSc नर्सिंग एडमिशन टेस्ट एक्सेट्रा। फिर नंबर 14 पे आता है VNYS, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस मेडिसिन की वो फील्ड है जो बॉडी को खुद से हील करने के बारे में बताता है विद सर्टेन नेचुरल मैकेनिज्म विदाउट द यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। स्टूडेंट इस कोर्स में मेथड एंड मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स होता है और इस कोर्स की फी 3 lakh to 6 lakh rupees होती है। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कोई नहीं है, बस इसमें 12th क्लास के बेसिस पर एडमिशन लिया जाता है। तो ये थे कुछ मेडिकल कोर्सेज जो कि 12th क्लास के बाद एक बायोलॉजी का स्टूडेंट परस्यू कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।